प्राचीन काल में एक कड़वा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन जब वह करवा चौथ की व्रत रखी, तब उसका पति नदी के किनारे गया स्नान करने। तभी देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब उसका पति जोर जोर से चिल्लाया, कड़वा कड़वा कड़वा। फिर उसकी पत्नी चिल्लाहट की आवाज सुनकर भागी भागी अपने पति के पास आई और देखी एक मगर ने उसके पैर पकड़ लिया था। फिर करवा ने मगर के मुख को रोली धागे से बांध दी, बांध कर यमलोक चली गई अपने पति धर्म के बल पर और बोली, हे यमदेव, हे भगवान, आप मगर को नरक में डाल दो, उसने मेरे पति के पैर पकड़ लिए। इस अपराध का आप अपने बल से उसे नरक में डाल दीजिए। फिर यमराज जी ने कहा तो यमदेव जी ने कहा, जो हे पुत्री, अभी मगर का जीवन शेष है, मैं उसे कैसे नरक में डालूं? फिर पतिव्रता कड़वा ने कहा, अगर आप मगर को यम में नहीं दे सकते तो मैं आपको नष्ट कर दूंगी। फिर यमदेव मगर को यमलोक भेज दिए और उनके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिए और यमदेव ने कहा, आज से तुम्हारे नाम से कड़वा चौथ का व्रत मनाया जाएगा, यह भी वरदान दिए उनको। उसी दिन से कड़वा चौथ मनाया जाने लगा। हे कड़वा माता, जिस तरह आप अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही हमारे पति की भी रक्षा करना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊंगी दूसरी कथा कड़वा चौथ की। जय कड़वा माता की।